दीर्घ दिन धरी चिलिकार बेआईन भाव चिंगुड़ी घेरी में चाष कर किसी असामाजिक व्यक्ति यहाँ दृष्टि रखि जिला प्रशासन कड़ा निष्पत्ति बेआईन चिंगुड़ी घेरी को उच्छेद करपर जिलापा निर्देश क्रमे ब्रह्मगिरी तहसिलदार यही चिंगुड़ी घेरी को उच्छेद प्रक्रिया आरंभ कर पखापाखि दुई रु तीन दिन है ये उच्छेद प्रक्रिया चली चित्र देखी के भाव में ये बेआईन चिंगुड़ी घेरी उच्छेद प्रक्रिया आरंभ हो किसी लोके लगी पुलिस फोर्स अच्छी सी डी ए अधिकारी अच्छा कर्मचारी अच्छा ब्रह्मगिरी तहसिलदार अच्छा अतिरिक्त तहसिलदार अच्छा समस्त मिलित उद्यम ये उच्छेद प्रक्रिया चली जेहेतु एकाधिक जमी संपूर्ण भाव में बेआईन भाव में चिंगुड़ी चाष करा क्योंना के चिलिकार जैव विविधता नष्ट होता प्रश्नवाची सृष्टि होलोचना करवा आम सहित ब्रह्मगिरी तहसिलदार अच्छा देखि पार्थ सीधा सख चित्र जो अधिकारी सी डी अधिकारी आरंभ करी पुलिस प्रशासन अच्छी ब्रह्मगिरी तहसिलदार अच्छा सर के पखापाखि आपंक तहसिल अधीन के जमी संपूर्ण भाव में बेआईन हाथ को चली जाइए चिंगुड़ी घेरी बेआईन भाव चली जहाँफल कि आज उच्छेद प्रक्रिया दुई तीन दिन में पहुंचे आमर हाइकोर्टर निर्देश क्रमे मानवर हाइकोर्ट निर्देश मुताबक जिला प्रशासन निष्पत्ति प्रकार आमर चौदटा बेआईन घेरी जार आनुमानिक एरिया है 3183 हेक्टर बेआईन घेरी ये अंचल अच्छी सतपड़ा आर आई सर्कल पणसपदा आर आई सर्कल आउ सुनामी आर आई सर्कल तीन टा आर आई सर्कल भितर आम बेआईन टोटाल 3183 हेक्टर चौदहटा घेरी बेआईन भाव होतीमें गत दिन दिन तले आम 105 हेक्टर 105.70 हेक्टर करूँ आज आली दिन पुणे घेरीर आमर योजना अच्छी घेरी उच्छेद कार्यक्रम चली दिन भितर आम 100 हेक्टर ऊर्ध करोजना कर उच्छेद प्रक्रिया क्यों क्यों अधिकारी अच्छा क्यों क्यों विभाग संपुक्त अच्छा उच्छेद प्रक्रिया जहाँ आम पूर्व सूचना पाथ्लु सी डी अधिकारी आरम्भ पुलिस प्रशासन क्यों क्यों विभाग उच्छेद प्रक्रिया हाँ बर्तमान यार घेरीर स्वच्छता रखापी बर्तमान घेरी आम कौन करुटा साटेलाइट फिगर में जीपीएस फिगर में मानने आमर चित्र उत्तोलन होटा कि हाइकोर्टे देखा से ही अनुसार आम जहाँ करुचु जीपीएस मैंने शो करार अच्छी से सी डी स्टाफ अच्छा सात जन कर्मचारी नियोजित अच्छा पुलिस भी दी प्लाटून पुलिस फोर्स अच्छा आईएसी अच्छा अडिशनाल तहसिलदार सी डी स्टाफ एवं लाइन डिपार्टमेंट सब जो मैंने घेरी सहित आम घेरी प्रक्रिया सहित लिंक से सब अच्छा सर जो मैंने भी घेरी बेन भाव घेरी करते से प्रति केवल कार्यानुषान होवल सारे उच्छेद प्रक्रिया कर स्थगित कर नहीं बर्तमान घेरी यहाँ हूँ जेहेतु गवर्नमेंट लैंड घेरीटा होमें ताको प्रथम कला उच्छेद करुच्छू परवर्त अवस्था देखू घेरी जो किए या करुच्छी कौ कार्यानुषान ग्रहण कर जिला प्रशासन निर्देश प्रकार जिला प्रशासन निर्देश क्रम आम पुणी परवर्त अवस्था को जीवु बर्तमान कत दिन बीतला घेरी उच्छेद प्रक्रिया और कत दिन आगामी दिन तीन दिन प्रोग्राम होता है आज आई दिन प्रोग्राम बर्तमान अच्छी आमर मोटामोटी यही टोटाल आम 250 हेक्टर यही 4-5 दिन भितर आम करोजना कर निश्चित भाव अंपटे चित्र देखी गोटे पटे हूँ चिलिकार चित्र जो चिलिका कि अनेक लोक जीवन जीविका दे था कि चिलिका जिते पूरा संपूर्ण भाव में साधा मानने जो असामाजिक किसी व्यक्ति मैंने किसी अख्तियार कर रखिंट देखिपार जो चिलिका अंचल गुड़ा उच्छेद प्रक्रिया को चली गोटे पटे चिलिका जेहेतु निजर जैव विविधता प्रशासन पक्ष निष्पत्ति जाइए उच्छेद प्रक्रिया कर जो मैंने भी बेआईन घेरी करता किभ भाव में संपूर्ण उच्छेद कहीं दुई तीन दिन है प्रक्रिया आरंभ हो दुई तीन दिन पर्यटन लगे बोली जहाँ ब्रह्मगिरी तहसिलदार सूचना दूसरे यही भाव में गोटे जो जगार अगर जगह को एक पचेरी पचेरी सदृश सृष्टि होता बंध बालीबंध ताकू उच्छेद प्रक्रिया कराऊँगी जो चित्र आप देखुं ये हूँ ताजा चित्र जो समय कि उच्छेद प्रक्रिया चली पुलिस प्रशासन अच्छी ब्रह्मगिरी तहसिलदार अच्छा आडिशनाल तहसिलदार अच्छा एपरिक सी डी ए अधिकारी अच्छा समस्त मुतयन हो जगार उच्छेद प्रक्रिया कार्य चली आम आलोचना करवा आम सहित ब्रह्मगिरी अधिक्त तहसिल सर जो भाई भाव उच्छेद प्रक्रिया चलती मैंने केते दिन पर्यटन चलो जहाँ सर सूचना दूसरे पाखापाखि आई दिन पर्यटन चलो बर्तमान सुधा केते प्रक्रिया उच्छेद करते जमी उच्छेद करते जमी बाकी रही जाए आउ क्यों क्यों सर्कल बाकी अच्छे आमर तीन टा आर आई सर्कल अच्छी मुख्यतः सतपड़ा पणसपदा आ सुनामुई सतपड़ाटा गत दुई दिन धरी चलता आमर बुधवार गुरुवार दुदिन चलता 135 एकर हेक्टर पाखापाखि जा
ଆଜି ଆମର ପଣସପଦା ଆଜି ଏବଂ କାଲି ଦୁଇ ଦିନ ରହିଛି। ଏଇ ଚାରି ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ପୁଣି କାଲି ପରଦିନ କି ତା ପରଦିନକୁ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ପୁଣି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସୁନାମୁହିଁ ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବୋଲିକି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଭଳି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ହେଲା ଏଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହା କରାଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବେଆଇନ ଘେରି କରାଯିବନି ତ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛି ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନେ ପୁଣି ଉଚ୍ଛେଦ ମାନେ ସେହି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ ତ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।